राजद ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मोकामा सीट पर कैंडिडेट के नाम फाइनल कर लिए हैं। वहां से पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ही आरजेडी की कैंडिडेट होगी। बता दें आपको कि राबड़ी देवी के आवास पर आनंद सिंह की पत्नी ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत जो है वो किया है। वही बता दें आपको कि बिहार की दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, एक तो मोकामा, दूसरा गोपालगंज। उसको लेकर उपचुनाव 3 नवंबर को होगा, वहीं 6 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। साथ ही इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं बता दें आपको कि राजद के आनंद सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और एक आपराधिक मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, वहीं उनकी विधायकी समाप्त हो गई, जिसके बाद यह सीट जो है खाली हो गया। यह सीट खाली होने के बाद जो है दोबारा उपचुनाव होना है, जिसके बाद आनंद सिंह की पत्नी जो है मोकामा से चुनाव लड़ेंगी राजद कोटे से। बता दें आपको कि पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट जो है राजद का गढ़ माना जाता है, वहीं आनंद सिंह को सजा मिलने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आई, जिसके बाद मोकामा में आनंद सिंह का प्रभाव माना जाता है। बता दें आपको कि भले ही वे अभी जेल में है, लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। राजद के गढ़ में बीजेपी के लिए ये सीट जितना सबसे बड़ी चुनौती हुई होगी। बता दें आपको कि आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात किया है, तमाम बातें हुई है और कहीं ना कहीं राजद कोटे की ये सीट थी मोकामा में आनंद सिंह लगातार जीतते आते थे। उनकी विधायकी समाप्त होने के बाद जो है उनकी पत्नी अब नीलम देवी मोकामा से जो है उपचुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं जीत जो है वो होना नीलम देवी का तय है, क्योंकि आनंद सिंह का दबदबा अभी भी मोकामा में है और राजद कोटे में ये सीट जाना तय है। देखिए राजद जो है कहीं ना कहीं इस सीट को नहीं छोड़ सकती है और इसको लेकर नीलम देवी को जो है राजद खड़ा कर दी है। तेजस्वी यादव से मिलने जो है नीलम देवी पहुंची है, गुलदस्ता लेकर जो है तेजस्वी यादव का स्वागत किया है। वहीं बता दें आपको कि तमाम चर्चाएं हुई है। देखिए राजद कहीं ना कहीं अपना कैंडिडेट जो है वो मोकामा में उतारेगा, नीलम देवी जो है वो विधायक की प्रत्याशी होंगे और कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव जो होना है, जिसको लेकर दो जगह पे उपचुनाव होना है, एक तो गोपालगंज दूसरा मोकामा। तो यह साफ हो गया है कि आनंद सिंह की पत्नी को उतारा जाएगा मोकामा से, राजद कोटे से जो है उपचुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जीत तो होना तय है। देखिए लगातार जो है आनंद सिंह वहां के विधायक रह चुके हैं, पूर्व में विधायकी समाप्त होने के बाद जो है वह सीट जो है वो रिक्त हो गया, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव होना है और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।